हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अचीवर्स स्टेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप हेल्दी एंड फाइन होंगे एकदम से। तो ऑडिटिंग का एक फास्ट ट्रैक रिवीजन हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। आई हैव फोर रिवीजन चार्ट्स, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो इसमें जो मेन मेन टॉपिक्स हैं ऑडिटिंग के, वो इसमें कवर हो जाएंगे, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन एनी एग्ज़ाम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑडिटिंग होती क्या है? ठीक है, जहाँ पर सबसे पहले हमारे पास होती है बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग शुरू होती है, और अकाउंटिंग का काम जब ख़त्म होता है तब ऑडिटिंग आती है। ठीक है, अब ऑडिटिंग है क्या? बेसिकली ऑडिटिंग है रीचेकिंग किसकी? अकाउंट्स की, कि अकाउंट्स सही से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ऑफ और एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उसका सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन इज ऑडिटिंग। ठीक है, ये किया क्यों जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, अच्छे से आ जाएगा दिखने में। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सप्रेस अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेटमेंट्स। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनका, वो सही है मतलब ट्रू है एंड फेयर है, मतलब कोई फ्रॉड नहीं किया गया है या कोई मिस्टेक नहीं है, ये चेक करना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसके अलावा एक ओपिनियन बनाना कि हाँ, ये बिज़नेस जिसके ये अकाउंट्स हैं या जो फर्म जिसके ये अकाउंट्स चेक हो रहे हैं वो एक अच्छी फर्म है, इससे गुडविल भी बढ़ती है। वेरीफाइंग अकाउंट्स एंड ऑथेंसिटी, ऑथेंसिटी मतलब कि हाँ ये सही है, फेयर वैल्यू है। क्रिटिकल रिव्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्रिटिकल व्यू करना कि भाई क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उन्होंने सही किया, क्या उन्होंने गलत किया, एग्जेक्ट्रा। और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कितनी है, मतलब कैलकुलेशन वगैरह तो गलत नहीं है। इसके अलावा चेकिंग सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, कोई इंटरनल चेक का सिस्टम अगर चल रहा है, इंटरनल ऑडिटिंग चल रही है, तो वो सिस्टम कैसा है, सही है या नहीं है, एग्जेक्ट्रा। इसके अलावा इसके सेकेंडरी जो ऑब्जेक्टिव है वो है एरर और फ्रॉड्स को फाइंड करना। एरर और फ्रॉड्स में डिफरेंस क्या है? एरर जो है वो अनजाने में होता है, गलती जिसे हम कहते हैं, और फ्रॉड जो है जिसको हम मिथ्या कहते हैं या कपट कहते हैं, ठीक है, वो जानबूझकर किया जाता है। एरर गलती से होता है और फ्रॉड जो है वो जानबूझकर किया जाता है। वी हैव फोर टाइप्स ऑफ एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर एंड कमीशन एरर। ठीक है, प्रिंसिपल एरर क्या है? जब हमें रूल्स पता नहीं होते, वैन जो क्लर्क है जो काम कर रहा है, विच इज़ अननोन अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, तब जो गलती हो रही है वो प्रिंसिपल एरर्स हो गए। ओमिशन का मतलब होता है छूट जाना, ठीक है, कोई एंट्री करने से छूट गई है, वो एरर ऑफ ओमिशन होता है। कंपनसेटिंग एरर होता है कि दो ऐसे एरर जिन्होंने आपस में कंपनसेट कर लिया, जैसे मुझे राम के अकाउंट में 500 डेबिट करने थे और श्याम के अकाउंट में 500 क्रेडिट करने थे, मैंने श्याम के अकाउंट में 500 डेबिट कर दिए और राम के अकाउंट में 500 क्रेडिट कर दिए। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेबिट भी उतना ही हुआ, क्रेडिट भी उतना ही हुआ, यहाँ भी डेबिट उतना ही, क्रेडिट उतना ही। तो इन दोनों गलतियों ने एक दूसरे को आपस में कंपनसेट कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, लास्ट है कमीशन एरर्स, रॉन्ग अकाउंट बट राइट साइड, जैसे मुझे सीता के अकाउंट में 5,000 रुपये डेबिट करने थे, लेकिन मैंने सीता की जगह गीता के अकाउंट में 5,000 रुपये डेबिट कर दिए, मतलब मैंने सही साइड पर गलत खाते में एंट्री कर दी और अमाउंट भी सही था, दैट इज़ एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, तो दीज आर फोर टाइप्स ऑफ एरर्स। इसके अलावा कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जैसे मोरल चेक, कि मोरल वैल्यूज़ को, एथिक्स को जो है, नैतिकता को सही से अपनाया गया है नहीं अपनाया गया है। गवर्नमेंट का ट्रस्ट बनाने के लिए भी ऑडिटिंग की जाती है। एंड कंप्लेंट्स ऑफ
कंपनीज़ एक्ट, कंपनीज़ एक्ट बोलती है कि हर कंपनी को ऑडिटिंग कराना ज़रूरी है, तो इस रूल को फुलफ़िल करने के लिए भी ऑडिटिंग करवाई जाती है। तो टू टाइप हमारे पास प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स थे। प्राइमरी था कि बेसिकली हमें ये देखना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, सब सही है, कुछ फ्रॉड नहीं किया गया एक्सेट्रा। सेकेंडरी में एरर और फ्रॉड जाँचना, और अदर में थे गवर्नमेंट का ट्रस्ट बनाना, मोरल चेक करना, और कंपनीज़ एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको फुलफ़िल करना। ठीक, एडवांटेज क्या है? ठीक है, सबसे पहले मोरल चेक। अच्छा, सिंपल सी बात है, जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वही उसके एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिस उद्देश्य से वो किया जा रहा है वही उसका फ़ायदा है। ठीक है, उसके अलावा टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब है कि फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है वो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस। ये किसके लिए ज़रूरी होता है? इन्वेस्टर को देखना होता है, लैंडर्स को देखना होता है, गवर्नमेंट को देखना होता है कि फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है वो ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑडिटिंग से पता चलता है। हेल्प्स मैनेजमेंट टू इंक्रीज एफिशिएंसी। ऑडिटिंग में हमें पता है कि ऑडिटिंग होने वाली है, ठीक है, तो सारे काम अच्छे से किए जाएंगे, एफिशिएंटली किए जाएंगे, प्रॉफिट्स को ठीक रखा जाएगा, सब कुछ। ठीक है, हेल्पफुल इन टैक्स नेगोसिएशन, लोन्स एंड सेटलमेंट ऑफ लेबर डिस्प्यूट। ये जो ऑडिटिंग करवाने के बाद, अलग अलग तरह की ऑडिटिंग होती है, अभी हम आगे देखेंगे, ऑडिटिंग करवाने के बाद बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि भाई टैक्सेस डिटरमाइनेशन हो जाता है, लोन्स हमें मिल जाते हैं कि हाँ भाई हमने ऑडिटिंग करवाई है, हम सही से खाते रखते हैं। ठीक है, लेबर डिस्प्यूट, अगर लेबर के साथ कोई डिस्प्यूट हो रहा है हमारा, तो उनको हम बता सकते हैं कि हमने ऑडिटिंग करवा ली है, देखो इतना प्रॉफिट नहीं है, तो हम कैसे वेजेस बढ़ाएं या कैसे सैलरी बढ़ाएं एक्सेट्रा। इसके अलावा टू डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेस, जो वेस्टेज और लॉसेज हमें हो रहे हैं उसको जांचना, निकालना। ठीक है, गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ऑडिटेड स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हीं को ही गवर्नमेंट सही मानती है, और कई जगहों पर ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी भी है, तो ये भी इसका एडवांटेज होता है कि करवाने के बाद हमें गवर्नमेंट के जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है, और जो उसकी रूल्स हैं उसको हम फुलफ़िल कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट, लिमिटेशन। कुछ कमियाँ भी होंगी, हर किसी चीज़ में कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। देखो इसके नुकसान क्या हैं, द ऑडिटर कैन नॉट ब्रिंग द रिस्क ऑफ एरर टू ज़ीरो बिकॉज देयर आर इनहैंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। जो ऑडिटर है वो एरर के रिस्क को ज़ीरो नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहती ही हैं। ठीक है, क्या रहती हैं? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अलग अलग होती है हर जगह पर। ठीक है, नेचर ऑफ ऑडिटर, जो प्रोसेस ऑडिटर अपनाता है वो अलग होती हैं। केयरफुली एंड ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड, जो सोच समझकर फ्रॉड किए जाते हैं उनको जांचना मुश्किल हो जाता है। डिपेंडेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, हर चीज़ के लिए ऑडिटर को जो है वो मैनेजमेंट पर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, मैनेजमेंट जैसे उसको इन्फॉर्मेशन देगा उसी के हिसाब से वो चेक करेगा। ठीक है, इसलिए जो मैनेजर है वो गलत रिपोर्ट्स भी दे सकते हैं, उन्हीं के बेस पर उसे चेक करना पड़ेगा। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। अगर हम सिंपली बात करें तो दो तरह की ऑडिटिंग होती है, कंपलसरी एंड वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से करवाना, कि भाई अपनी गुडविल बढ़ानी है, या फिर है ना गुडविल बढ़ानी है, या फिर चेक करना है कि कोई फ्रॉड्स तो नहीं हो रहा है एक्सेट्रा। तो वॉलंटरी अपनी इच्छा से करवाया जाता है कि भाई लोन लेना है, गुडविल बढ़ानी है, किसी भी रीज़न से हो सकता है। कंपलसरी होता है किसके लिए? सब कंपनीज़ के लिए, बैंकिंग कंपनीज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज़ के लिए, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, एंड कॉरपोरेशन बाय पार्लियामेंट। वो कंपनीज़ जो पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेटेड की जाती हैं उनके लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है ऑडिटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, और एक और चीज़ होता है चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती हैं, इन्हीं को चेक करता है ऑडिटर। ठीक है, नेक्स्ट, कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कवर होते हैं ऑडिटिंग में?
रिपोर्टिंग टू एन अप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी, किसी एक अप्रोप्रिएट पर्सन को रिपोर्ट करना। एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल, जो इंटरनल कंट्रोल है और अकाउंट्स का सिस्टम है उसको चेक करना। वेरिफिकेशन, वेरीफाइड करना हर चीज़ को, किस क्या उसकी ऑथेंसिटी और वैलिडिटी ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, कि भाई ये ट्रांजेक्शन सच में हुआ भी था या नहीं हुआ था, या हुआ था तो इतने अमाउंट का ही हुआ था या नहीं हुआ था। कंपेयरिंग द आइटम्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द अंडर बाइंग रिकॉर्ड्स, जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हमने रखे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। परचेज हो गया, सेल हो गया, प्रॉफिट हो गया, असेट्स हो गया, ये सब जो लिखा हुआ है सच में वैसी है भी या नहीं है, ठीक है। वेरीफाइंग द टाइटल ऑफ असेट्स, टाइटल ऑफ असेट्स का मतलब है कि इस बिजनेस के नाम पर ही है ये असेट या नहीं है, ठीक है। वेरीफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ जितनी दिखाई गई हैं उतनी हैं या उससे ज़्यादा हैं या कम है, एक्सेट्रा, ठीक है। चेकिंग द रिजल्ट शो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट या फिर लॉस दिखाया गया है वो सही है या नहीं है, ये एस्पेक्ट ऑडिटिंग में कवर किए जाते हैं। ओके, सो वन चार्ट इज कंप्लीटेड, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो इंट्रोडक्शन टाइप ही था, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जिनके बेस पर ऑडिटिंग की जाती है। SA, SRE, SAE एंड SRS, इनके फुल फॉर्म्स देख लीजिएगा। SA इज स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, SRE इज स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, SAE इज स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस इंगेजमेंट एंड SRS इज स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस, ठीक है। जो SA हैं वो अप्लाई किस पर होते हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर, कि भाई जैसे हमने असेट खरीदी, ठीक है, असेट हमने 1,00,000 रुपये की खरीदी, अगर ये 10 साल चलती है तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से देखिए तो 1,00,000 रुपये जो है इस पर डैप लगेगा, तो हर साल इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, हर साल इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट यही रहेगी, एक्विजिशन कॉस्ट यही रहेगी, ठीक है। तो ऐसी हिस्टोरिकल कॉस्ट को, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए SA, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, काम आते हैं, ठीक है। इन्हीं इन्फॉर्मेशंस को रिव्यू करने के लिए SRE है, ऑन रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये ऑडिट करने के लिए है, ये रिव्यू करने के लिए है, ठीक है। SA ही क्या है, डीलिंग विद सब्जेक्ट मैटर अदर देन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के अलावा जो सब्जेक्ट मैटर है उनके साथ में SAE डील करता है, ठीक है। और SRS क्या है, प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज सच एज कंप्लीशन एंगेजमेंट्स, सर्विसेज रिलेटेड सर्विसेज के लिए आपका SRS है, तो ऐसे याद रखना। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग हिस्टोरिकल, इसी के रिव्यू के लिए SRE, ठीक है, इसके अलावा और चीज़ों के लिए SAE, और यहाँ लास्ट में S है तो सर्विसेज के लिए SRS, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है IAASB का, ये सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, ठीक है। ये इस्टेब्लिश किया गया था IFSC बोर्ड के द्वारा और ये पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है। तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, ओके। इसके अलावा ये तो इंटरनेशनल, ओके, अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है AASB, ये बीइंग अ मेंबर ऑफ IFSC ICAI हैज़ कंस्टिट्यूटेड AASB टू रिव्यू एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया टू डेवलप एंड डेवलप द क्वालिटी, मतलब IFSC और ICAI जो मेंबर्स हैं उन्होंने मिलकर AASB को बनाया था, क्या करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, क्या रिव्यू करने के लिए, जो पहले से ही ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया में उन्हें, और क्वालिटी डेवलप करने के लिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगर हम, ये कुछ टर्म्स हैं, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान क्या होता है कि ऑडिट कैसे की जाएगी, है ना, किस तरह की जाएगी, क्या टूल्स यूज़ होंगे, कौन कौन काम करेगा, किस एरिया में काम करेंगे, इसको प्लानिंग करना, ठीक है। एक फॉरकास्ट करना, या मैं बोल सकती हूँ एक रॉ प्लान रेडी करना इज़ ऑडिट प्लानिंग। देखो,
स्ट्रैटेजीज टू बी फॉलोड टू कंडक्ट एन ऑडिट, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो की जाएंगी, कैसा नेचर होगा, क्या टाइमिंग होगी और किसकी ड्यूटीज़ होंगी, टूल्स क्या यूज़ किए जाएंगे एंड एरिया ऑफ रिस्क क्या क्या होंगे, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज ऑडिट प्रोग्राम. जब हमने प्लान कर लिया, ठीक है, इस प्लान के लिए एक रोड मैप रेडी करना इस ऑडिट प्रोग्राम मेड आफ्टर प्लान. ये प्लान के बाद किया जाता है, ये एक रोड मैप है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडिंग इसमें बताई जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाती हैं मेंबर्स की. देखो, सबसे पहले प्लानिंग की जाएगी, उसके बाद प्रोग्राम रेडी किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे एंड देन ऑडिट होगा. ओके, चलो नेक्स्ट इज ऑडिट एविडेंस. ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं, ये परसुएट ऑडिटिंग में, ऑडिटिंग करने में हेल्प करते हैं हमें कि भाई जैसे बिल्स हैं, ठीक है, कुछ एग्रीमेंट्स हैं एक्सेट्रा, ठीक है. दीज आर परसुएसिव रेदर देन कंक्लूसिव. ये परसुएट करवाते हैं, कंक्लूड नहीं करवाते हैं. जो ऑडिट एविडेंस है वो ऑडिट को करने में हेल्प करते हैं, कुछ कंक्लूड करने मतलब कुछ परिणाम निकालने में हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है. ये इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ठीक है. इनका नेचर क्या होता है, ये विजुअल होते हैं, सबसे बड़ी बात दिख रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्री होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में होते हैं एंड ओरल नहीं होते, ठीक है. चलो नेक्स्ट, ऑडिट टेक्निक्स. ऑडिट प्रोग्राम को पूरा करने के लिए ऑडिट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं. अब ऑडिट टेक्निक्स क्या हैं, पोस्टिंग चेकिंग कि सही से पोस्ट किया गया है नहीं किया गया है, कास्टिंग चेकिंग, चेक मार्क्स लगाया था कि भी लिस्ट बना ली इस चीज़ का ऑडिट तो इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, ऐसे. फिज़िकल एग्जामिनेशन एंड काउंट, फिज़िकली जाकर देखना कि भाई जितना गोडाउन में स्टॉक बताया गया है क्या सच में उतना है, ठीक है, जो भी असेट्स बताई गई हैं क्या सच में उतनी हैं, तो फिज़िकली जाकर एग्जामिन करना. बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को जांच करना, रिकम्प्यूटेशन दोबारा से कंप्यूट करना, कन्फर्मेशन करना, इंक्वायरी करना लोगों से, ईयर एंड जो आपको डेटा दिया गया है वो प्रॉपर रिचेक करना, ऑडिट नोट एंड क्वेश्चनरीज देखना, टेस्ट चेक करना एंड वाउचिंग करना. अब इसमें है ना, टेस्ट चेक एंड वाउचिंग आपको पता होना चाहिए डिटेल में. टेस्ट चेक क्या है, देखो बहुत सी चीज़ें होती हैं. सपोज़ हमको बताया गया है कि स्टॉक की जो है वो गुड क्वालिटी की चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है, गुड क्वालिटी की चीज़ें हैं, तो हम हर एक यूनिट को तो उठाकर नहीं देख सकते ना, तो इसमें से हमने रैंडमली कुछ चीज़ें उठा ली, जैसे ये 8 थी तो इसमें से हमने 3 उठा ली, तो इनको हमने चेक कर लिया कि ये अच्छी क्वालिटी की हैं या नहीं है, ठीक है. इसको हम बोलते हैं टेस्ट चेकिंग, कि पूरे को चेक ना करके कुछ सैंपल लेके चेक कर लेना, ठीक है. और वाउचिंग क्या होता है, वाउचिंग होते हैं बेसिकली बिल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कि भाई वाउचर्स जो हैं हमारे पास उनको चेक करना कि सही है या नहीं है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग. प्रिंसिपल्स बेसिकली होते हैं गाइडलाइंस, कि इन गाइडलाइंस के बेस पर जो ऑडिटिंग है वो काम करता है. क्या गाइडलाइंस हैं, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कोई भी बायस्ड नहीं होगा, मतलब पार्शियलिटी नहीं होगी, सब्जेक्टिविटी नहीं होगी, जैसा उसमें दिख रहा है वैसे ही रिपोर्ट में किया जाएगा. इंडिपेंडेंस, जो ऑडिटर है उसको इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके, प्रेशर ना हो. कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल कि भाई इसको हम हिंदी में बोलते हैं गोपनीय, सब कुछ जो बाहर डिस्क्लोज नहीं करना एक फर्म का उसी फर्म में रखना है. प्रॉपर प्लानिंग से काम करना है. स्किल्ड जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा ही काम होना चाहिए. और रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से डिफाइन होनी चाहिए ऑडिटर की और उसके अदर मेंबर्स की, जो असिस्टेंट वगैरह होते हैं वो. एरर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, एरर्स क्या होते हैं, ठीक है. तो वी हैव कम्प्लीटेड द सेकेंड चार्ट एज वेल. ओके, तो आई होप ये भी क्लियर हो ही गया होगा. नहीं है तो आप डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है.
ओके नेक्स्ट, वेरियस टाइप ऑफ ऑडिटिंग. अब यहाँ पर बहुत से टाइप्स हैं ऑडिटिंग के, वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले स्टैचुरी ऑडिटिंग. स्टैचुरी ऑडिटिंग का मतलब है जो बेसिकली कंपलसरी होता है ये. इसका सेक्शन क्या है, 138 सबसेक्शन 1. इसको हम फाइनेंशियल ऑडिट भी कहते हैं. ये कंपलसरी होता है. इसके ना करवाने पर पेनल्टी भी लगती है. ठीक है, अब पेनल्टी क्या लगती है, या तो 5% ऑफ प्रॉफिट्स या फिर 1,00,000, विच एवर इज़ लेस. ठीक है, ओके. ये दो तरह का होता है, टैक्स ऑडिट और कंपनी ऑडिट. कंपनी ऑडिट, कंपनीज़ एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि सारी कंपनीज़ को ऑडिटिंग करवाना ज़रूरी है, इसलिए हर कंपनी के लिए स्टैचुरी ऑडिट कंपलसरी है. टैक्स ऑडिट में क्या है, टैक्स ऑडिट अगर कोई प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अगर उनकी इनकम 5 मिलियन से ज़्यादा हो गई या प्रॉफिट 50,00,000 से ज़्यादा हो गए, तो उनको ऑडिट करवाना ज़रूरी है. अदर्स के लिए, मतलब प्रोफेशनल्स नहीं हैं, उनके लिए 1 करोड़ प्रॉफिट या फिर 10 मिलियन की इनकम हो गई तो उन्हें ऑडिट करवाना ज़रूरी है. ठीक है, फॉर ऑल टैक्स पेई, सारे टैक्स पेई के लिए अंडर इनकम टैक्स. तो टैक्स ऑडिट जो है वो इनकम टैक्स डिसाइड करता है, और कंपनी ऑडिट जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 डिसाइड करता है. ठीक है, और टैक्स ऑडिट कब तक करवाना कंपलसरी है, 30 सितंबर तक. ठीक है, अब कंपनी के ऑडिटर की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट ऑडिटर, मतलब कंपनी जब बनती है उसका पहला ऑडिटर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट करते हैं. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट ना करने में फेल रहते हैं तो शेयर होल्डर सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, और आगे होने वाले हर ऑडिटर को शेयर होल्डर्स ही सिलेक्ट करते हैं. कब, एज कहाँ पर, AGM में, एनुअल जर्नल मीटिंग में. ओके, चलो नेक्स्ट इज़ इंटरनल ऑडिट. एक्चुअली होता क्या है, कोई बाहर से आए ऑडिटिंग करने के लिए, जो कि नॉर्मली होता है, ठीक है, उससे पहले इंटरनल लोग जो हैं वो अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर कर देते हैं कि भाई आप ऑडिट करो, ताकि बाहर से जो ऑडिट आए उसे कुछ फ्रॉड या एरर्स ना दिखें. तो इसी की वजह से इंटरनल ऑडिटर्स रखे जाते हैं कि बाहर से जो ऑडिटिंग होगी, ये पूरे साल ऑडिटिंग करते रहते हैं कि भाई कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ एरर तो नहीं आ रहा, एक्सेट्रा. ये बेसिकली कंपनी के ही एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेकिन बाकी सब जो ऑडिटर होते हैं वो बाहर से आए हुए लोग होते हैं. ये कंपलसरी नहीं है. ये फाइनल ऑडिट से पहले एरर और फ्रॉड्स को जांचने की तकनीक है, डन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, चल प्रोप्राइटरी ऑडिट. ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीज़न होता है, और फॉर गवर्नमेंट कंपनीज बेसिकली ये करवाया जाता है. नेक्स्ट इज़ सेफ्टी ऑडिट. ये देखने के लिए कि जो फैक्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं या जो वर्कर्स हैं उनके लिए सेफ्टी प्रोविजंस अच्छे से लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं, उसके लिए सेफ्टी ऑडिट होता है. नेक्स्ट इज़ बैलेंस शीट ऑडिट. ये होता है फिज़िकल वेरिफिकेशन. बैलेंस शीट में होती क्या है, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ होती हैं. असेट को फिज़िकली जाकर देखना कि जो लिखा गया है बैलेंस शीट में उतनी असेट है भी या नहीं है, और लायबिलिटीज़ को चेक करना कि लायबिलिटीज़ भी उतनी है या नहीं है. ठीक है, सच एज कैपिटल, रिजर्व, असेट्स, इन सबको वेरीफाई करना इज बैलेंस शीट ऑडिट. फॉरेंसिक ऑडिट, एविडेंस विच कैन बी यूज इन द कोर्ट ऑफ लॉ बाय लीगल प्रोसीडिंग, फ्रॉड और एनी अदर फाइनेंशियल क्लेम. मतलब जो कोर्ट में किसी केस के लिए ऑडिटिंग करवाई जाती है, दैट इज़ फॉरेंसिक ऑडिट. ठीक है, सेक्रेटरियल ऑडिट. ये CS करता है, कंपनी सेक्रेटरी. इट इज़ टू चेक कंप्लायंस ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीड्यूर, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एक्सेट्रा. मतलब कि जो प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और जो रूल्स हैं एंड जो रेगुलेशंस हैं उनको अच्छे से फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसको सेक्रेटरियल ऑडिट कहते हैं, जो CS द्वारा किया जाता है. ठीक है, कंटिन्यूस एंड कंकरेंट ऑडिट. हर साल, मतलब टाइम टू टाइम, एक महीने में, एक हफ्ते में, एक, ठीक है, ऐसे टाइम टू टाइम लगातार पूरे साल ऑडिटिंग चलती रहती है, तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस ऑडिट. ये जनरली बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज के लिए होता है, और ये डे टू डे बेस पर काम करता है.
नेक्स्ट फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है. अभी जो ऊपर हमने पढ़े थे बैलेंस शीट, P&L है ना, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी और कैश बुक, सॉरी कैश बुक नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सबको चेक करते रहना और उसमें गैप के रूल्स अच्छे से फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये चेक करना. इसके अलावा कुछ अदर ऑडिट्स भी हैं, ऑपरेशनल ऑडिट, रेगुलेशन ऑडिट एंड सोशल ऑडिट. ठीक है चलो. इसके अलावा कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट. कॉस्ट ऑडिट में कॉस्ट को चेक किया जाता है सही से लगाई जा रही है नहीं लगाई जा रही है. मैनेजमेंट ऑडिट में मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को ऑडिट किया जाता है. एनर्जी ऑडिट में होता है जो बेसिकली एनर्जी के बेस पर काम कर रही हैं कंपनीज, उनके लिए कि कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है, कहीं पर वेस्ट तो नहीं हो रहा, कहीं पर आइडियल तो नहीं है, एक्सेट्रा. ठीक है. इसके अलावा एनवायरमेंटल ऑडिट कि जो एनवायरमेंट को कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा. सिस्टम ऑडिट जो सिस्टम चल रहा है उसके लिए, एंड सेफ्टी ऑडिट जो वर्कर्स हैं उनके लिए सेफ्टी रखी गई है या नहीं रखी गई है. ठीक है नेक्स्ट EMS, एनवायरमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम. ये क्या है? एक फ्रेमवर्क है विच हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स एनवायरमेंटल गोल थ्रू कंसिस्ट रिव्यू. कि भाई ये जो सिस्टम है ये पहले, इसमें पहले प्लान होता है, डू होता है, चेक होता है एंड एक्ट होता है, PDCA. कि भाई इसको एक कंटिन्यूस प्रोसेस हम बोल सकते हैं. इसमें ये देखा जाता है कि मैनेजमेंट जो काम कर रहा है उससे एनवायरनमेंट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एनवायरनमेंट का ध्यान रखना भी ऑर्गेनाइजेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है उसके लिए. ठीक है. ISO 14001, ये एक सर्टिफिकेट है जो ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है ये बताने के लिए कि हाँ भाई वो एनवायरनमेंट को अच्छे से रख रहे हैं. देखो, एन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन 1996, और इसको अपडेट किया गया था 2005 में. तो अगर ये जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको अच्छे से फॉलो किया जा रहा है तो उनको ये सर्टिफिकेट मिलता है. ठीक है. और ये अपडेट करवाना पड़ता है. इसकी 5 स्टेजेस हैं. कमिटमेंट एंड पॉलिसी कि हम एनवायरमेंट को इतना, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. प्लान करना, प्लान को इम्प्लीमेंट करना, इवेल्यूएट करना और फिर रिव्यू करना. ठीक है. ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिट ओपिनियन कि भाई जो ऑडिटर है, जो ऑडिटर है वो ऑडिटिंग करेगा, बाद में अपनी रिपोर्ट भी तो बना के देगा कि वह ऑडिटिंग में मुझे क्या मिला. ठीक है. तो ये रिपोर्ट बेसिकली दो तरह की होती है, अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड. ठीक है. इसको हम अनमॉडिफाइड को अनक्वालिफाइड भी कहते हैं. यहाँ पर ना अनक्वालिफाइड जो है वो अच्छा है. कैसे? इसको ध्यान रखना, ये कोरोना जैसा है. कोरोना में पॉजिटिव होना अच्छा नहीं है, कोरोना में नेगेटिव होना अच्छा है. ठीक है. ऐसे ही ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अनक्वालिफाइड होनी अच्छी है, क्वालिफाइड होनी अच्छी नहीं है. अब ये कैसे? इस यहाँ पर क्वालिफाई होने का मतलब है कि एरर या फ्रॉड के लिए क्वालिफाई. ठीक है. ऑडिटर बोलेगा कि इसमें कोई भी एरर, कोई भी फ्रॉड नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, तो ये अनक्वालिफाइड है किसी भी चेंज के लिए. देखो, अनक्वालिफाइड इज़ फेयरली प्रेजेंटेड ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट, सब कुछ अच्छा है, नो नीड टू टेक एनी एक्शन, फॉलो गैप रूल, गैप के रूल्स भी फॉलो हो रहे हैं, एडुकेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल, सब कुछ डिस्क्लोज किया गया है, मतलब सब कुछ अच्छे से दिखाया गया है. ठीक है. नॉट क्वालिफाई फॉर फ्रॉड. अभी बताया ना कि अनक्वालिफाइड किसके लिए? फ्रॉड के लिए. कुछ फ्रॉड नहीं किया गया और ये क्लीन रिपोर्ट है. ठीक है. क्वालिफाइड इसका उल्टा कि भाई नॉट परवेसिव इन नेचर, मिस्टेक्स हर जगह अलग अलग हैं, माइनर मिस्टेक्स हैं. ठीक है. और मिस्टेक्स कैन अफेक्ट यूज़र, और मिस्टेक्स जो हैं वो अफेक्ट कर सकती हैं किसको? यूज़र्स को. एडवर्स रिपोर्ट क्या है? एडवर्स रिपोर्ट में ऑडिटर लिखता है, एडवर्स रिपोर्ट होने का मतलब है कि कुछ भी फेयरली प्रेजेंट नहीं किया गया है. ठीक है. और डिस्क्लेम रिपोर्ट का मतलब है कि ऑडिट कुछ कमेंट कर ही नहीं पा रहा. ठीक है. इसके पास जो हैं वो
अनएडुकेट इन्फॉर्मेशन है। देखो, अनक्वालिफाइड मतलब सब कुछ ठीक है, क्वालिफाइड मतलब माइनर सी मिस्टेक है, ठीक है। एडवर्स का मतलब कुछ फेयरली नहीं दिखाया गया है, फ्रॉड्स किए गए हैं। और डिस्क्लेम का मतलब है कि उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि वो अच्छे से ऑडिटिंग कर पाता, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, फास्ट ट्रैक रिवीजन है इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। किसी भी टॉपिक में अगर डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके ओके, नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात आती है ऑडिटर की, ठीक है। एवरी कंपनी शुड अपॉइंट एन ऑडिटर एट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। जब कंपनी बनेगी तो उसको अपनी 18 मंथ्स के अंदर एक एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। इस AGM में उसको अपना ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है और हर पाँच साल में उसको ऑडिटर चेंज करना पड़ता है। जो ऑडिटर चेंज होगा वो पुराने ऑडिटर से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, जर्नली फॉर 5 ईयर्स, जर्नली 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। बीच में अगर ऐसा लगता है कि भाई हाँ ये अच्छा काम नहीं कर रहा है तो इसे हम हटा भी सकते हैं। जो फर्स्ट ऑडिटर है, सबसे पहला ऑडिटर कंपनी का, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट करते हैं विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर वो नहीं कर पाते तो मेम्बर्स को बुलाया जाता है 90 दिन के अंदर और वो अपॉइंट कर देते हैं। मेम्बर्स मतलब शेयर होल्डर्स है इधर, ठीक है। वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। इंडिपेंडेंट पर्सन का मतलब है कि ना तो वो इस कंपनी का शेयर होल्डर हो, ना इस कंपनी में कोई इंटरेस्ट रखता हो, मतलब लोन वगैरह, ना इस कंपनी को उसने कहीं लोन दिया हो, ना उस कंपनी से लोन लिया हो, मतलब इस ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि भाई वो इस कंपनी के लिए बायस्ड हो सके, इस कंपनी के लिए पार्शियलिटी दिखा सकते, एक्सेट्रा, ठीक है। अब ऑडिटर CA होना चाहिए और ICAI के थ्रू उसको सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए और मेंबरशिप नंबर भी होना चाहिए उसके पास ICAI का। एक और बात, ICAI का मेंबर बनने के बाद जो ऑडिटर है वो FCA या CA अपने नाम के आगे लगा सकता है, जैसे डॉक्टर लगता है, मिस्टर लगता है। ICAI का मेंबर बनने के बाद CA या FCA वो लगा सकता है। CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटिंग एंड FCA मतलब फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, और वो कोई और फुल टाइम जॉब ना करता हो, सबसे पहली बात, वो CA किया हुआ हो ICAI से, उसके पास मेंबरशिप नंबर हो और कोई और फुल टाइम जॉब ना करता हो, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कौन है जो ऑडिटर नहीं बन सकते? अ बॉडी कॉरपोरेट, मतलब कंपनी, कोई और कंपनी नहीं बन सकती, लेकिन LLP है अगर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो वो बन सकती है। कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, उसी कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं बन सकता। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द कंपनी नहीं बन सकता। होल्डिंग सिक्योरिटी, कंपनी में सिक्योरिटी हो उसकी, या 5 लाख से ज़्यादा का लोन दिया हुआ हो, या 1 करोड़ से ज़्यादा का उसने गारंटी दी हुई हो, तो वो ऑडिटिंग नहीं कर सकता उस कंपनी की, भले ही वो CA हो, मेंबरशिप भी हो उसके पास, फिर भी, ठीक है। ओके, ऑडिट प्रोसेस, सबसे पहले एक ऑडिट एंगेजमेंट, एक एग्रीमेंट होता है कि भाई ये ऑडिट करना है, इस तरह का ऑडिट करना है, ये आपके एरियाज होंगे, ये फीस होगी, एक्सेट्रा। फिर प्लानिंग की जाएगी, फिर कंपाइलिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑडिट, और फिर ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी। ये प्रोसेस है ऑडिटिंग का। ओके ओके, कुछ पॉइंट्स हैं। अ पर्सन हैविंग अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर कैन नॉट होल्ड ऑडिटिंग ऑफ मोर देन 20 कंपनीज एट द टाइम। मतलब एक ही इंसान 20 से ज़्यादा कंपनी का ऑडिटिंग नहीं कर सकता एक टाइम में, ठीक है। और अगर वो पब्लिक कंपनीज़ की ऑडिटिंग कर रहा है तो वो 10 से ज़्यादा की नहीं कर सकता, ठीक है। कि भाई पब्लिक कंपनीज़ मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं, वो कंपनीज़ जो पब्लिक कंपनीज़ हैं, जिनके शेयर जो हैं वो पब्लिक में बिकते हैं, IPO, FPO, तो उससे ज़्यादा वो 10 से ज़्यादा कंपनीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। देखो, पब्लिक जो हैं वो कैन नॉट एक्सीड 10 एंड टोटल कैन नॉट एक्सीड 20। जैसे मैंने बोला कि मुझे 5 पब्लिक कंपनी का ऑडिटिंग आया है, ठीक है, पब्लिक कंपनी का, तो मैं अब 15 प्राइवेट कंपनी की ही ऑडिटिंग ले सकती हूँ अगर मैं CA हूँ, ठीक है।
टोटल जो है वो 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें पब्लिक जो है वो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2017 में अमेंडमेंट्स किए गए थे, क्या अमेंडमेंट किए गए थे, ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड फॉर 5 AGM, नो नीड टू रेटिफाई एवरी ईयर। पहले क्या होता था, हर साल अपॉइंट करना पड़ता था कि हाँ यही हमारे ऑडिटर रहेंगे, यही हमारे ऑडिटर रहेंगे, लेकिन अब क्या है, एक AGM में डिसाइड कर दो कि भाई 5 साल तक यही रहेगा, ख़त्म बात, ठीक है। ऑडिटर मस्ट बी चेंज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टर्म, जो ये 5 साल का टर्म है इसके बाद कंपलसरी ही है कि उसको चेंज करना है, ठीक है। ओनली CA और CA फर्म कैन ऑडिट, या तो CA या कोई CA फर्म है वही ऑडिटिंग कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट, ऑडिट रिपोर्ट किसके बेस पर तैयार करनी होती है, CARO 2016 के बेस पर तैयार करनी होती है। CARO क्या है, कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, ठीक है। ये कुछ पहले से डिफाइंड फॉर्मेट्स होते हैं, उसी फॉर्मेट में डिसाइड करनी होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिक्स एसेट्स के बारे में, इन्वेंट्रीज़ के बारे में, इंटरनल ऑडिट के बारे में, स्टैंडर्ड्स के बारे में, स्टैचुरी डिटीज के बारे में एंड इंटरनल कंट्रोल के बारे में, इन सब के बारे में इस फॉर्मेट में होता है पहले से ही। अब ऑडिट फीस की अगर बात करें तो ये मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स द्वारा डिसाइड की जाती हैं। ये डेबिट होती है P&L में, ठीक है, कब, जिस साल ऑडिट किया गया है उसके नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ओके। प्रिपरेशन बाय ऑडिटर, ऑडिटर क्या क्या काम करेगा, ऑडिटर सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करेगा जो उसके असिस्टेंट हैं उनको, ठीक है। उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम रेडी किया जाएगा, फिर ऑडिट फाइल रेडी की जाएगी, नोटबुक होगी, उसके बाद एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे एंड वर्किंग पेपर्स तैयार किए जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, वर्किंग पेपर्स ऑडिटर के पास रहते हैं, जो क्लाइंट है जिसका ऑडिटिंग हो रहा है वो डिमांड नहीं कर सकता, ओके। नेक्स्ट, वाउ, ये कुछ इसके टेक्निक्स हैं। वाउचिंग में अभी हमने ऊपर बात करी थी कि वाउचर्स चेक किए जाते हैं कि भाई जो बिल्स हैं, बेसिकली डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं कि सही हैं या नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक बिल, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, ये इंक्लूड करते, इनमें इंक्लूड होते हैं कलेक्शन ऑफ एविडेंस एंड इवेल्यूएशन ऑफ एविडेंस कि भाई सच्ची में इसी बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है, प्रॉपरली रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। अब जो ये वाउचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड कलेक्टरल या सेकेंडरी। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो प्राइमरी होते हैं एंड कलेक्टरल जो होते हैं वो कॉपी होते हैं। अब जैसे हमने कैश रिसीव हुआ, ठीक है, तो हम तो उसको रिसिप्ट दे देंगे ना, रिसिप्ट उस पर्सन को दे देंगे जिसने हमें कैश दिया, हमारे पास तो उसकी कॉपी रहेगी, तो ये कॉपी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट हो जाएगी और जो रिसिप्ट हमने उसको दी है वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वेरीफिकेशन। वेरीफिकेशन होता है बैलेंस शीट का, असेट्स का। इंस्पेक्शन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ अपीयर इन द बैलेंस शीट आफ्टर, ये वाउचिंग के बाद किया जाता है, ये ऑब्जर्वेशन और एविडेंस दोनों के बेस पर किया जाता है, बैलेंस शीट से रिलेटेड है और ऑडिटर खुद करता है या उसका एक असिस्टेंट करता है, ठीक है। इसमें चेक क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन सही लगाई गई है या नहीं लगाई गई है, वो असेट सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ओनरशिप किसके हाथ में है, पोजीशन किसके हाथ में है, किसी बर्डन में तो नहीं है, मतलब कहीं पर गिरवी वगैरह तो नहीं रखी गई है, बिज़नेस के पर्पज़ के लिए ही यूज़ की जाती है या प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, और प्रॉपर वैल्यूएशन किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। डिस्क्लोज़र सब कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, और कंटेंजेंट लाइबिलिटीज़ को फुटनोट में दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है। कंटेंजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, एक्सपेक्टेड लाइबिलिटीज़ जो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वैल्यूएशन। ये फेयर वैल्यू ऑफ असेट, जो असेट की फेयर वैल्यू है उसको एस्टिमेट किया जाता है, वैल्यूएट किया जाता है। किस, ये क्या क्या कंपोनेंट्स में ध्यान रखे जाते हैं, कॉस्ट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है, रियलाइजेशन वैल्यू क्या है, रिप्लेस मार्केट वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू क्या है और कन्वेंशन वैल्यू क्या है, ठीक है। अब वेस्टिंग असेट्स हैं, फिक्स असेट्स हैं, इंटेंजिबल असेट्स हैं, फिक्टिशियस असेट्स हैं और करंट असेट्स हैं, इन सबको देखा जाता है। वेस्टिंग असेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पर दिखाना चाहिए, फिक्स असेट्स को डेप्रिसिएटेड कॉस्ट पर, इंटेंजिबल को कॉस्ट पर जिस पर खरीदी गई है, फिक्टिशियस असेट्स को नहीं दिखाया जाता एंड करंट को अलग अलग हिसाब से दिखाया जाता है, ठीक है। तो दिस वॉज द फास्ट ट्रैक ऑडिटिंग रिविज़न। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे।
आई डोंट थिंक कि जल्दी जल्दी हो गया, बट स्टिल ये एक फास्ट ट्रैक रिविज़न था, तो वी हैव टू डू इट एट फास्ट। तो अगर इसके MCQs आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी, MCQs भी हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, बाय बाय गाइज, टेक केयर।